सफलता का वाहन है, चमत्कार है, चमत्कार बोले बाबा। तो और लोंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद ना तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, मजा आया। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि तुम लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। तो कर लो सब्सक्राइब। ओके, तो शायद से तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। तो अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाले पत्थर के पास आ जाना है, और जैसे ही तुम लोग इस वाले पत्थर के पास आ जाओगे ना, फिर तुम लोग करना है कि तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना, इस वाली जगह पे तुम लोग कुछ ऐसे लगा देना है, और जैसे ही तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाएगा तुम लोग को इसके ऊपर चढ़ना, और तुम्हारा लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना, उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा पत्थर के अंदर आ चुके हो। और जैसे ही तुम लोग इस वाले पत्थर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे तुम लोग को नोटिस भी नहीं कर सकते कि कोई इस पत्थर के अंदर भी हो सकता है। और इस वाले बग के इस्तेमाल करने के बाद ना, और इस वाली जगह पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से ना बहुत सारे किल भी कर पाओगे, और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे, और अगर तुम लोग चाहो ना तो अपने स्क्वाड के साथ भी इस वाली जगह पे आ सकते हो, और बहुत आराम से ना अपने स्क्वाड के साथ तुम लोग रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो इस वाली जगह से। और अगर तुम लोग इस वाले पत्थर से निकलना चाहते हो तो तुम लोग कुछ ऐसे मुक्के मार के साइड में आ जाना, फिर तुम लोग को जंप करना, उसके बाद देखी तो तुम लोग पूरा पत्थर से निकल चुके हो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक लैम्बोर्गिनी को लेनी है, और अपने एक टीममेट को बुला के लाना है इस वाली जगह पे, तुम लोग इस वाली ब्रिज पे अपने लैम्बोर्गिनी को लेके आ जाना है, और फिर तुम लोग करना है कि ना तुम लोग लैम्बोर्गिनी में कुछ ऐसे बैठ जाना, फिर तुम लोग अपने टीममेट को बोलना है कि लैम्बोर्गिनी पे चढ़ जाने के लिए, और ना जैसे तुम्हारा फ्रेंड चढ़ जाएगा उसके बाद बोलना है तुम लोग अपने फ्रेंड को ना गाड़ी ऐसे नीचे कूदा दे कुछ ब्रिज से, उसके बाद तुम लोग अपने गेम को मिनिमाइज करना है, और जैसे तुम्हारा गेम मिनिमाइज हो जाएगा ना तुम लोग अपने डाटा को कुछ ऐसे ऑफ कर देना है, और ना जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर दो फिर तुम लोग ना अपने गेम में वापस आ जाना, उसके बाद देखिए तो तुम्हारी गाड़ी ना हवा में कुछ ऐसे अटक चुकी है जो देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। और अगर तुम लोग इस वाले बैक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो और उन्हें रिकॉर्ड करके वाले ट्रिक दिखाते हो ना, तो मतलब वो पूरा पगला ही जाने वाले कि क्या ही ट्रिक है वाली, कैसे गाड़ी कुछ ऐसे हवा में खड़ी हो सकती है। और तुम लोग देखी सकते हो ये वाली ट्रिक ना काफी खतरनाक लग रही है, क्योंकि पूरा गाड़ी हवा में कुछ ऐसे खड़ी है, और देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है वाला ट्रिक। ओके, तो अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले एक लॉन्च पैड को लेना, उसके बाद तुम लोग को पीक वाली इस वाली जगह पे आकर ना कुछ ऐसे लॉन्च पैड को लगा देना, फिर तुम लोग को सामने पेड़ पे कुछ ऐसे एम करना है, फिर तुम लोग को लॉन्च हो जाना है, फिर देखी चलो तुम्हारा पेड़ ना तुम लोगों को कहाँ उठा के फेंक रहा है। और ना अगर तुम लोग इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो मतलब वो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही ट्रिक है वाली, या फिर कोई इनेमी ना तुम लोग इस वाले ट्रिक को करते हुए देखेगा तो मतलब वो पूरा पगला ही जाएगा, अपना सिर फोड़ने लगेगा कि क्या ही ट्रिक है। और अगर तुम लोगों को इनेमी पीछा कर रहा है ना तो तुम लोग इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके साइड में भी भाग सकते हो। ओके, अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों को क्लॉक टावर की इस वाली जगह पे आ जाना है, फिर तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, और जैसे ही तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लग जाएगा ना, फिर तुम लोग करना है तुम लोग लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में लगा के गेम में वापस आ जाना है, और फिर तुम लोग देख ही सकते हो ना तुम पूरा क्लॉक टावर के अंदर आ चुके हो। और जैसे ही तुम लोग इस वाले क्लॉक टावर के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत सारे किल भी कर सकते हो, बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और इस वाली जगह पर लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे अगर लास्ट वाला जोन बनता है तो तुम लोग बहुत आराम से गेम को बुझा भी कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो ना, तो वाली ट्रिक काफी यूजफुल होने वाली है तुम लोग के लिए, बहुत ही आराम से इस वाली ट्रिक इस्तेमाल करके तुम लोग हीरो को ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो, और बहुत सारे किल भी कर सकते हो इस वाली जगह से तुम लोग। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को सबसे पहली बार अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो मतलब वो पूरा पगला ही जाने वाले की क्या ही ट्रिक है वाली, और अपने फ्रेंड के साथ तुम लोग यहाँ पे बहुत आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। मजा आया।
तभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग लूट एरिया में आ जाना है। जैसे तुम लोग लूट वाले एरिया में आ जाओगे ना जादू के स्पेसशिप में, उसके बाद तुम लोग इस वाली जगह पे कुछ ऐसे आ जाना है, और जो तुम्हें सामने खंबा दिखा रहे थे ना इसके अंदर तुम लोग कुछ ऐसे चला जाना। उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा खंबे के अंदर आ चुके हो, और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले खंबे के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल भी कर पाओगे और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे, और इस वाली जगह पे ना तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा। और अगर तुम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हो और कोई बंदा यहाँ पे लूटने के लिए आता ना और तुम लोग को नोटिस नहीं कर पाता है तो बहुत ही आराम से ना तुम उन्हें मार सकते हो, बहुत सारी किल भी कर सकते हो इस वाली जगह से, क्योंकि लिटरली ना तुम लोग पूरा खंबे के अंदर आ चुके हो। और यहाँ पे आने पर तुम अपना बैग भी फेंक दोगे, खड़ा हो जाओगे ना तो लिटरली तुम लोग इस वाली जगह पे ना कोई नहीं दिख पाएगा, और बहुत ध्यान से तुम लोग इस वाली जगह से बहुत सारे किल कर पाओगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स और वीडियोस डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।